राजगढ़ जिले के जीरापुर में कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसारती जा रही है, लेकिन माचलपुर में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माचलपुर में कुछ दिनों पूर्व कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिनको उपचार हेतु जीरापुर कोविड केयर भेजा गया था, जिसके बाद 12 दिन हो जाने के बाद भी परिवार वालों के सैंपल नहीं लिए गए थे। साथ ही जिन जिन घरों में कोरोना के मरीज थे उनके घरों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, लेकिन मरीजों के परिवार वाले बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से फोन पर बात की गई तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और वहीं पुलिस विभाग की कमी बताने लगे, लेकिन हद तो तब हो गई जब स्वास्थ्य विभाग की टीम व नायब तहसीलदार नवीन चंद्र कुंभकार कोरोना पॉजिटिव के घरों को छोड़कर मोहल्ले के अन्य घरों में जाकर सैंपल लेने लगे, जिसकी सूचना मीडिया को मिली। तब नायब तहसीलदार से जानकारी मांगी गई कि कोरोना पॉजिटिव के परिवार वाले आपकी टीम के साथ घूम रहे हैं, तो वह पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जब ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विवेक दुबे से इसके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव के परिवार वालों के सैंपल 20 दिनों के बाद लेने को कहा। आश्चर्य है कि जिनके घरों में कोरोना पॉजिटिव हैं उनके सैंपल स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा है, जो बाजारों में घूम फिर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही के चलते किसी दिन पूरा नगर कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। सैंपल लेने के लिए किसके आदेश से आए सर? बीएमओ सर के आदेश से। सर 12 दिन या 14 दिन हो गए हैं, उसके बाद आप आए हैं जब कोरोना पॉजिटिव जो था वो घर पे आ गया है, उसके बाद आप लेने आए हैं? तो जो हमारे पास लिस्ट आई है उसके आधार पे हम सैंपल लेने आए। इससे पहले क्यों नहीं आए थे आप? इसके पहले हमारे पास लिस्ट नहीं आई थी सर। खून की जांच की रिपोर्ट थी, उसको पॉजिटिव किया गया। अरे हार्ट का लिखा। तो तुम्हारे घर में कोरोना निकला ना? हाँ। तो तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो प्रशासन ने रोका तुमने को? पुलिस वाले ने रोका? सैंपल लेने आई थी, सैंपल देने में हमारा कोई विरोध नहीं था, केवल टाइमिंग का था। 12 दिन से हम क्वारंटाइन थे, उस पीरियड में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का हमला, क्यों ना सैंपल लेने आया? आज 13-14 दिन बाद जब हमारा जो बालक कोरोना पॉजिटिव था वो नेगेटिव होकर आज आ गया, उसके बाद आज प्रशासन सैंपल लेने आया है। कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशान करने की मंशा लगती है प्रशासन की, और घोर आना लगता है। जो आपका क्वारंटाइन सेंटर था जिसके बाहर पुलिस थी, और भी नगर में थे, पर कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिली, ऐसा क्यों? नहीं, उससे भी हमारा कोई विरोध नहीं है। हमने क्वारंटाइन टाइम में पूरे अनुशासन का, पूरे परिवार ने हमारे ने परिचय दिया, हमारा घर का एक भी सदस्य बाहर नहीं निकला, और अन्य कोरोना पॉजिटिव मैं डेली व्हाट्सएप के माध्यम से देखता था, उनकी दुकानें खुली हुई हैं, चक्की चल रही है। वहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई भी नियुक्त नहीं, केवल मेरे यहाँ अलग तरह का कोरोना था क्या? यहाँ पर एक बीएमओ साहब से सूची आई है हमारे पास कोरोना टेस्टिंग के लिए 25 लोगों की जी, तो उसकी जाँच करानी है। स्वास्थ्य अमला है तो वो यहाँ पर लोग सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी सर, इसमें कुछ लोगों की आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, और आप कह रहे हो कि आधे की करेंगे आधे की नहीं करेंगे, ऐसा क्यों भेदभाव सर? इसमें क्या है कि जो अभी चूंकि अभी एक क्वारंटाइन होकर एक जो लड़का आया है, उसके परिवार वालों की जांच 2 दिन बाद होना है, बाकी शेष लोगों की जांच बाकी होना है। सर 2 दिन में कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे अगर इस प्रकार से अगर बाहर निकलेंगे तो? 2 दिन बाद पॉजिटिव आई तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप? किसकी? अगर 2 दिन बाद जाँच आई है और वो पॉजिटिव पाई गई तो क्या करेंगे आप? हमारा ऐसा मानना है कि चूंकि व्यक्ति संक्रमित था और वो 9-10 दिन में उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको कंप्लीट करके आ गया, 10 दिन में कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो सिम्टम्स उसमें अभी भी नहीं रहेंगे। ऐसे नियम है? हा? नियम है क्या सर? कौन सा नियम? ये कैसे आधे की होगी आधे की नहीं होगी? नहीं, नियम क्या है, जो जहाँ ऊपर से निर्देश आएगा उस हिसाब से हम फॉलो कराएंगे ना। इसमें तो सबके एक नाम है ना, सभी के नाम है इसमें। पर जिसमें पूरी लिस्ट है आपको तो पूरा निर्देशित दिया गया है ना करने के लिए, क्या आप आगे को करेंगे? विभाग के जो कर्मचारी जिन लोगों की जांच करना है उन लोगों के सहयोग के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। जी ठीक सर, ये जो जांच है इसमें कितने दिन का पीरियड रहता है? मतलब क्वारंटाइन कितने दिन का पीरियड रहता है? क्वारंटाइन 14 दिन का पीरियड है, जिसको अभी घटा के 10 से 12 दिन कर दिया गया है। तो 12 दिन बाद जांच।
तो सर 12 दिन तक जब क्वारंटाइन रहा पूरी गली, तब आप लोगों ने जांच क्यों नहीं की गई? बीएमओ साहब बताएंगे इसका उत्तर कि 12 दिन बाद क्यों जांच सूची आई है, है ना। इस जांच सूची भेजी गई है जिला महामारी कार्यालय से, है ना, तो वहाँ से इस संबंध में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि 12 दिन और भी पेशेंट थे सर, पर इसी गली को क्वारंटाइन करके यहाँ ही पुलिस वाले बैठा गए, ऐसा क्यों? नगर में और भी जगह पेशेंट और भी जगह गए ना, तो उन जगह क्वारंटाइन नहीं किया गया ना, सभी जगह सभी जगह होम क्वारंटाइन किया गया लोगों को, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत फहमी में हैं। इसके वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, जहाँ के लोग घूमते फिरते नजर आए, उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया ना पुलिस की ड्यूटी। देखिए पुलिस के बल के लिए पुलिस की व्यवस्था पुलिस बता सकती है आपको कि किन जगह पर पुलिस ने बिठाई है उन्होंने, किस जगह पुलिस ने बिठाई है, ठीक है ना। आज का नियम है कि घर को क्वारंटाइन करना है, हमने यहाँ पे गली क्वारंटाइन की थी क्योंकि गली में से लोग निकलते हैं, फिर जब हमें जानकारी मिली कि 4 दिन बाद तो उसके बाद जब चूंकि इधर वाले लोगों का संपर्क नहीं था पास वालों का, तो हमने उधर पीछे जाने के लिए रास्ता उनका ओपन करवा दिया था। सर एक समुदाय के लोग घूमते रहे, उनकी दुकान खुली रही, ना तो क्वारंटाइन क्षेत्र में ना कोई पुलिस वाला बैठा, ना कोई कर्मचारी, हमें समान नियमावली है, सभी के लिए एक जैसा कार्रवाई होती है, ठीक है। तो उसके बाद भी वो लोग घूमते रहे, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा? कोई शिकायत नहीं कि कोई व्यक्ति घूम रहा था बाहर, अगर शिकायत आती तो हम उसके विरुद्ध उचित धाराओं में कार्रवाई करवाते पुलिस के माध्यम से।